तो यहाँ पर सब लोग मिल गए हमें, ये हैं दीदी। और आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक दो जगह ही गए थे। तो गांव में क्या होता है ना, कोई भी ऐसे कामकाज होते तो सारे लोग मिलके करते हैं। जैसे महिलाओं का काम खाना बनाने का था, और कुछ पुरुषों का खाना बनाने का था, और कुछ सयाने लोग जो होते हैं ना, उनका काम कार्ड लिखने का होता है, जैसे ये निमंत्रण देना होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बाहर लगा है सामूहिक चूल्हा जिसमें सबके लिए खाना बना। आरती, खाने में क्या क्या बनने चाहिए? सब्जी और दाल। अच्छा, रोटी और अभी सूजी भी बनेगी। अच्छा, हाँ, तो दाल, सूजी, आलू, ये सब बनते हैं। और कार्ड भी हमें मिल गया है, तो हम आएंगे। और शादी हो रही है हमारी आमा की नातनी की। आमा, बधाई हो। धन्यवाद। ये, और इन्होंने हमको बहुत जिद की थी कि हमारे घर पे खाना खाओगे, तो अब हम इनके घर पे खाना खा रहे हैं और दिखाएंगे आपको हमारे। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज हम फिर से हैं पोखराड़ गांव में। और अभी हम किसी घर के ना बाहर बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे। और ये हैं भैया। आज ना इस घर में लकड़ी फोड़ है, मतलब शादी हो रही है 5 तारीख को। तो हमें मिल चुका है कार्ड यहाँ का, तो शायद आएंगे हम शादी में। और इनका चल रहा है बहुत ही काम। और तो यहाँ पे बना था सामूहिक भोजन, जहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है। और अंदर दिखाती हूँ, ये है इनका पुराना मकान। और यहाँ पे लिख रहे हैं चाचा लोग कार्ड। ये इनका काम है, जो सयाने लोग होते हैं उनका कार्ड लिखने का काम होता है। तो आज इन्होंने पहले पूरी लिस्ट बनाई होगी ना चाचा, पहले? हाँ, और उसके बाद फिर कार्ड लिख रहे हैं ये। तो यहाँ पे भी इनके कार्ड रखे हुए हैं। और इधर हमारा खाना लग गया, देखो इतना ज्यादा चावल लगा रखा है, इसको कम करवाते हैं। अच्छा हो रहा है, सब्जी, दाल, चावल, रोटी। तो हमने तो खा लिया है, अब हो रही है महिलाओं की बारी खाने की। तो सबका खाना लग चुका है, आमा लोगों का भी, ताई जी, चाची, सब लोग खाने में लगे हैं। और इधर है इनका पहाड़ी चूल्हा, दिखाती हूँ ये। और कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं बढ़िया करके। यह है सामने अंगीठी, और ये है दुल्हन की चाची, ये ताई जी, ये मम्मी। अब 2-3 बार इनको बधाई दे दी है, अभी शादी तक हम कितनी बार बधाई देंगे। और इतने बड़े डेको में बना था खाना, और बढ़िया खर्चु खाने, बढ़िया एकदम। तो हम खा पी के तो निकल गए हैं, महिलाओं का काम है बर्तन धोना। इनको बाय बाय भी बोल दिया हमने। तो वहां से तो हम निकल चुके थे, कितने 2-3 बजे, शायद 4-4:30 होने वाला है। और अभी हम ना दाड़िमा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अभी जा रही हूँ मैं घर की तरफ। और अभी शाम को ना 5 बजे बारिश भी बताई है, क्या पता हो जाए, 50% बारिश बताई है। तो फिलहाल निकल रही हूँ घर को, तो मिलती हूँ मैं आपको घर जाके। तो आज का दिन थोड़ा कुछ ऐसा रहा, तो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं, तो मिलती हूँ घर जाके जल्दी। तो जिस शाम का मौसम कुछ ऐसा बन चुका है, पूरे बादल ही बादल, क्या पता बारिश आए। वैसे बारिश बताई है वेदर फॉरकास्ट में। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी को कवर भी कर लिया है, और मैं पहुँच रही हूँ घर। और जहाँ हमने चाय पी थी ना, मतलब वो वहाँ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो दीदी ने ना हमारे लिए इस पे रखा है छाछ, और इस पे रखा है आलू। जो घर के आलू होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्योंकि उनकी सिंचाई वाली खेती है। तो वो आलू खोदने लग गए, तो उन्होंने हमारे लिए इतने सारे आलू रखे हुए हैं। तो घर जाके बनाऊंगी अब मैं आलू की सब्जी आज, क्योंकि पहाड़ी आलू ना बहुत टेस्टी होते हैं और इतनी जल्दी पक जाते हैं ना सही में। तो चलिए फिर, साक्षी शाम के लिए मटर तोड़ दी, सब्जी बनाएंगी इसकी? हैं हैं, किसने छिली है?
तो जी मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने घर पहुंचने के बाद कपड़े चेंज कर लिए। बस इसी इंतजार में ना मैं पानी भरने नहीं गई, मुझे लगा बारिश हो जाएगी। मतलब पूरा विश्वास था और होता भी यही है कि अगर बारिश बताई है तो बारिश हो ही जाती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुई है। मुझे फिर से लाना पड़ता है पानी, क्योंकि शाम को थोड़ा हमने खीरा लगाया है, थोड़ा कद्दू, थोड़ा करेले और थोड़े फूल हैं, तो उनमें पानी देना बहुत जरूरी होता है। ये मेरे हाथ पर ना वो कार्ड का वो लग गया, कार्ड का कलर लग गया, क्योंकि गीले हाथों से मैंने कार्ड पकड़ा था जहां पे मेरे को इनविटेशन मिला था शादी का। तो वहां से हम आ भी गए थे, बहुत अच्छा रहा दिन। और कुछ कोशिश की मैंने जो गांव के कुछ कुछ रीति रिवाज होते हैं उनको दिखाने की, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब जो पल मुझे लगता है ना कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब शेयर करने लायक है, तो उसको मैं कैप्चर करके फिर कोशिश करती हूँ दिखाने की। लेकिन फिर भी मतलब सच बताऊँ, मेरे को भी इतना टाइम हो गया लोगों के साथ काम करते हुए, जो लोगों का प्यार आशीर्वाद जो मिला है, मतलब उसके लिए तो तहे दिल से मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगी। क्योंकि मतलब इतना रिस्पेक्ट जो मिलती है ना, मतलब बहुत ही सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो ऐसा कुछ आज का दिन था। और अब धीरे धीरे अब हमारे काम का सीजन शुरू हो गया, मतलब गांव में भी हो रहा है तो हमारा भी होगा। तो हम तो संडे करेंगे, तो हम भी अब आड़ू वगैरह तोड़ेंगे, तो फिर उसका वीडियो दिखाऊंगी। आड़ू भी तैयार हो गया है धीरे धीरे, खुमानी, प्लम वगैरह। अभी सीजन चलेगा हमारा वही जुलाई अगस्त तक, जब तक कि लास्ट सेब और नाशपाती हो जाती है तब तक हमारा सीजन चला ही रहेगा। तो फिर मैं वो चीज़ें आपको शेयर करूंगी पहाड़ों की। और मतलब आजकल तो बहुत मस्ती हो रहा है, मतलब लोग इतने सारे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं पहाड़ों में, एक अच्छा रोजगार भी मिला है लोगों का। बहुत सारे लोगों ने रिजॉर्ट, होटल्स और मैगी पॉइंट्स भी खोले हुए हैं, तो अच्छा लगता है अपने लोगों को रोजगार करते हुए। और लोकल में बहुत सारे लोगों ने किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो फिर हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप लाइक करें, नहीं भी आया है तो तब भी एक लाइक कर ही दें। और फिर मिलते हैं जल्द ही आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।